बहुत उम्दा शेर समात फरमा रहे थे अभी आप जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब से। अब मैं जनाब मुजफ्फर इमाम साहब को आवाज़ देने से पहले उनके इस्तकबाल में चार मिसरे पढ़ता हूँ। इसके फौरन बाद जनाब मंजर भोपाली साहब अपना कलाम पेश करेंगे कि मुजफ्फर इमाम साहब को आवाज़ देने से पहले चार मिसरे हाजिर करता हूँ। समात फरमाए कि आबिद के चचा जैसा चचा हो तो बताओ, आबिद के चचा जैसा चचा हो तो बताओ, मैंने तो नहीं तुमने सुना हो तो बताओ। आबिद के चचा जैसा चचा हो तो बताओ, मैंने तो नहीं तुमने सुना हो तो बताओ। जिस दिन से किया नहर पा अब्बास ने कब्जा, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ। जिस दिन से किया नहर पा अब्बास ने कब्जा, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ। आइए हजरात इन्हीं मिसरों के साए में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मुजफ्फर इमाम साहब से कि वो आए और बारगाह मौला में मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। इस्तकबाल नारे दुरूद से करें। अल्लाहुम्मा सबसे पहले आप तमाम हजरात को इस पुरवकार जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलकर अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम एक इससे बुलंदतर सलवात भेजें हज़रात। चार मिसरे हज़रात पेश करता हूँ बतौर ख़ास हज़रात तवज्जो के तालिब हज़रात। और ये चार मिसरे ख़ास तौर से इस कमेटी के तमामी अराकीन के हवाले करता हूँ। दहचा बतौर ख़ास मरमाजरात कि क्या वलवला और क्या जोश है हमारा बतौर ख़ास सुन हजरात जहाँ हजरात तवज्जो तालिब हजरात सुन हजरा बतौर ख़ास कि एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। सुन हजरा बतौर ख़ास जहाँ तवज्जो तालिब हजरात बतौर ख़ास सुने कि एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है, ये राज बताना है। हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। बकर बतौर खास हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना हजरात। और हजरात कैसे मनाते हैं जश्न हजरात सुने बतौर खास कि तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में। सुने हजरात ये जश्न कैसे मनाते हैं बतौर हजरात कि हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। तो तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में, तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में, एहसास हुआ दिल में। इखलाक मोहब्बत से नफरत को मिटाना है। इखलाक मोहब्बत से नफरत को मिटाना है। सलवात पढ़ते हज़रात। एक मतला और चंचला था बतौर खास बारगाह में सज्जाद अलैहिस्सलाम में। और हज़रात जहाँ जरा बतौर खास सुन हजरात तवज्जो तालिब हजरात बतौर खास मौलाना साहब बतौर खास मतलब बतौर खास बतौर खास कि खानदान बनी हाशिम की है इज्जत सजाद। खानदान बनी हाशिम है इज्जत सजाद। खानदान बनी हाशिम की है इज्जत सजाद।
बढ़ गई आपसे इस्लाम की जीनत सजात, बढ़ गई आपसे, बढ़ गई आपसे इस्लाम की जीनत सजात। जैसे बतौर खास नजरा बतौर खास तारीख के पस मंजर में हजरात के बढ़ गई आपसे इस्लाम की जीनत सजात, तो हाकिमे वक्त समझता था कि मजबूर है ये। सुना था बतौर खास के हाकिमे वक्त समझता था कि मजबूर है ये, कौन समझेगा भला आपकी हिकमत सजात, कौन समझेगा, कौन समझेगा भला आपकी हिकमत सजात। तो कर दिया शाम के दरबार में बरपा महशर, हर तरफ छाने लगी आपकी हैबत सजात, हर तरफ छाने, हर तरफ छाने लगी आपकी हैबत सजात। जैसे बतौर हाजरात के मेंबर हासिल किया इमाम ने, तो कैसे बतौर हाजरात तारीख अपने पास मंजर में बतौर खास नजरात, हर तरफ छाने लगी आपकी हैबत सजात, तो अपनी मर्जी से किया शाम का मिंबर हासिल, अपनी मर्जी से किया शाम का मिंबर हासिल, कैद में हो के भी करते हैं हुकूमत सजात, कि कैद में हो के भी करते हैं हुकूमत सजात, कैद में हो के भी अपनी मर्जी से किया शाम का मिंबर हासिल, कैद में हो के भी करते हैं हुकूमत सजात। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन रात कि अपनी मर्जी से किया शाम का मिंबर हासिल, कैद में हो के भी करते हैं हुकूमत सजात। हजरत से बतौर खास ने हजरात बता दें बतौर खास तजमीन का मिसरा बतौर खास कि शाम कूफा का सफर देख के आशूर के बाद, शाम कूफा का सफर देख के आशूर के बाद, सब्रे अय्यूब ने की तेरी इताअत सजात, सब्रे अय्यूब ने की तेरी इताअत सजात, सब्रे अय्यूब ने। आखिरी से बतौर खास सुना था बतौर खास जाजरात सुना था बतौर खास बतौर खास ये भी तारीख के पास मंजर मजरात कि बेड़ी यारों ने लगी शर्म से होकर पानी, बेड़ी यारों ने, बेड़ी यारों ने लगी शर्म से होकर पानी, आपके हाथ की जब देख ली ताकत सजात, आपके हाथ की, आपके हाथ की जब देख ली ताकत सजात। मक्ते से बतौर खास रात दुआ जाता हूँ जहाँ से रात है
कि ऐसा लगता है मुजफ्फर के मैं मेराज पे हूँ। अबू ज़र बतौर खास कि ऐसा लगता है मुजफ्फर के मैं मेराज पे हूँ, जब भी करने के लिए बढ़ता हूँ मिदहत सजात, जब भी करने के लिए बढ़ता हूँ मिदहत सजात, जब भी करने के सलवा पढ़ते हज़रात। अल्लाहुम्मा